हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, हमारे बगीचे में बहुत सारे पौधे होते हैं। आप सबके यहाँ भी किस्म किस्म के पौधे होंगे, फॉलिएज है, फूलों के हैं, फलों के हैं। तो कोई कहीं से हम लोग बाहर जाते हैं, लेकर आते हैं, किसी ने हमको कोई प्लांट अच्छा सा गिफ्ट किया होता है, कोई हमें वैसे ही देख के बहुत किसी के यहाँ देखते हैं पसंद आता है, या हम लोग एग्जीबिशन गए, नर्सरी गए, बहुत पसंद आया। सो वी ट्राई टू अच्छी मतलब वी ट्राई टू गेट दैट प्लांट की वो भी हम अपने घर में लेकर आए। तो इस तरह से हमारा कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ता है और हमारे पेड़ हमको बहुत पसंद आने लगते हैं, हम उनका बहुत ख्याल रखने लगते हैं कि इतनी मुश्किल से ये पेड़ यहाँ से आया था, ये यहाँ से लिया था, इसको मैंने प्रोपोगेट किया तो अब ये इतना अच्छा हो गया। ऐसी ही एक बार ऐसी बात हो रही थी दोस्तों में, तो एक ने मेरे से पूछा कि इला तुम्हारे यहाँ तो इतने सारे पौधे हैं, तुम्हें कौन सा पौधा सबसे पसंद है अपने बगीचे में? बड़ा अजीब सा प्रश्न था, मैं तो समझ नहीं पाई कि एकदम से हम क्या जवाब दें इस बात का। लेकिन हाँ दोस्तों, घर आकर मैं वो सोचने पे मजबूर हो गई कि वाकई एक ये चीज है कि कौन सा मुझे पौधा पसंद है। ये ऐसा ही प्रश्न था जैसे कि कोई किसी माँ से पूछे आपको अपने बच्चों में सबसे प्रिय बच्चा कौन सा है, कौन सा बेटा या बेटी आपको प्रिय लगती है। कठिन प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा तो मैंने कहा कि नहीं, एक आज तो होंगे। तो मैं जीरो करते 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 एक अपने 26-27 साल पुराने पेड़ पर पहुंची कि देखा जाए तो ये पेड़ मुझे बहुत पसंद है। पौधे ये पसंदीदा बात ऐसे नहीं होती है दोस्तों, किसी का हमें फूल पसंद है, किसी की फॉलिएज पसंद है, किसी की बनावट पसंद है, बहुत फैक्टर्स होते हैं पसंद करने के। लेकिन ओवरऑल किसी से आपका अटैचमेंट कितना ज्यादा है, मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि कौन सा पौधा आपको सबसे पसंद है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा ये नींबू का जो पेड़ है ये मुझे बहुत पसंद है। क्यों? इसके पीछे जो आज मैं आपको बात बताने जा रही हूँ आपको सुन के भी अच्छा लगेगा। दोस्तों हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे जब DLF में करीब 25-26 साल पहले, तो हम लोग उद्यान मेला करते थे AIKGA की तरफ से। तो उद्यान मेले में पूसा वाले अपना स्टॉल लगाते थे, तो उस स्टॉल में वो ये नींबू का पेड़ और एक ड्रॉफ वैरायटी इलायची केले के लेकर आए थे। वो मैंने दोनों चीजें खरीदी थी और आज भी ये नींबू का पेड़ भी मेरे साथ है 26-27 साल बाद, और वो ड्रॉफ बनाना ट्री भी मेरे पास है, इलायची केला। तो ये जो नींबू का पेड़ था इसमें आप यकीन जानिए ऐसे फल लगते थे बड़े बड़े जैसे कि मौसमी की तरह से, इतने बड़े बड़े नींबू सीडलेस बिल्कुल पतले छिलके के और 12 मासी लदे रहते थे बुरी तरह से। बहुत खूबसूरत पेड़ था ये, और इसकी दो टहनियां होती थी। दिखाते हैं आपको किस तरह से इसकी दोस्तों दो टहनियां होती थी। एक तो आप ये देख रहे हैं ये जा रही है, और एक वो जो आप कटा हुआ हिस्सा देख रहे हैं ना वहां पे ये वाला, ये एक टहनी इसकी ये यहाँ पे होती थी। और आपको ये पेड़ इतना लेटा हुआ क्यों है? ऐसा था नहीं दोस्तों, ये पेड़ बिल्कुल स्ट्रेट अच्छा था। ओवर द इयर्स ये इस तरह से हो गया क्योंकि मेरा सन एक साइड में आता है। तो यहाँ का जो ये टहनी कटी हुई है इसमें लग गया था कीड़ा, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कीड़ा तो नहीं लगा था, खराब होने लग गई थी। तो हमने माली से कहा कि इसको निकाल देते हैं, खराब हो रहा है पेड़ खराब। तो उधर का हिस्सा काट दिया। अब आप देखिए इसकी फॉर्मेशन इस तरह से होने लग गई। तो इधर का पेड़ हरा सा था, पत्ते थे कुछ, तो उसने कहा इधर का नहीं काटते हैं क्योंकि ये अभी हरा है, हमारे गाँव में हरा पेड़ नहीं काटते हैं। तो हमने कहा ठीक है नहीं काटते हैं। फिर वो सब पौधों में जैसे हम ख्याल रखते थे इसका भी ख्याल होने लग गया था। अब ये देखा इस साल इसमें देखिए नींबू भी लग गए, पत्ते खूब अच्छे हो गए हरे, मतलब बिल्कुल एक भी डिजीज का कहीं कोई नाम नहीं है। ये नींबू इसमें लगने लग गए और ये नहीं और भी लगे थे, मैंने काफी तोड़ लिया। हाँ साइज ओवर द इयर्स काफी छोटा हो गया है, ये बात अलग है। तो इस तरह से ये पेड़ हरा भरा फिर से हो गया। इसमें मैंने कई घुटियां बांधी थी, बहुत लोगों को दी भी, एक अपने लिए लगा ली। जो साइड में इसका बेबी बना हुआ है वो आप देखिएगा इसको कितना खूबसूरत हो गया है, वो भी 3-4 साल से लगा हुआ है, उसमें भी खूब फल आते हैं। सो दोस्तों ओवर द इयर्स इसको अगर आप देखभाल हमने की ठीक से तो ये फिर से ठीक हो गया।
तो कहानी का सार ये है कि किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से पसंद करते हैं, ख्याल रखते हैं, तो वो भी आपका साथ उतना ही निभाता है, आपको छोड़ के वो जल्दी नहीं जाता है। अपने बगीचे में अपने पौधों का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखिए, अपने बच्चों की तरह पालिए पोसिए, वो भी आपका उतना ही ख्याल रखेंगे, इन द सेंस आपको उतना ही वो खुश रखेंगे, आपको आनंदित करते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा है आपको मेरा ये छोटा सा जो पेड़ है 27 साल पुराना वो आपको पसंद आया होगा। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स। गुड बाय।